नमस्कार साथियों साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला छिंदवाड़ा का एक काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश देख रहे हैं, जो कि 8 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। जो आदेश है समस्त प्राचार्य आहरण संवितरण अधिकारियों के लिए जारी हुआ है। संबंधित जो जिले के आहरण संवितरण अधिकारी हैं उनसे उनके संकुल अंतर्गत 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों की अभिलेखों की छानबीन समीक्षा को लेकर यह आदेश जारी हुआ है। यानी कि ऐसे शासकीय कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, उनके सेवा अभिलेखों की छानबीन की जाएगी। वैसे अंतर्गत संदर्भित आदेश के परिक्षेप में 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय एवं चतुर्थी श्रेणी के सेवा लेखों की छानबीन कर समीक्षा किए जाने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उक्तानुसार जानकारी 31 दिसंबर 2023 30 जून 2024 की स्थिति में जिला कार्यालय में निर्देश अनुसार तैयार कर भेजेंगे। आप निर्देश देखेंगे, इसमें 50 वर्ष की आयु 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों के लिए मूलभूत नियम 56 मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1976 के नियम 42 के अधीन छानबीन करते समय अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के लिए निम्नानुसार देखा जाए, यानी कि किस स्थिति में शासकीय सेवक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है, उसके इसमें 4 बिंदु स्पष्ट किए गए हैं। ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा संदेहजन होना, इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक का संपूर्ण अभिलेख देखा जाकर अनुशंसा की जाए। यदि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में कमी है तो संपूर्ण जो अभिलेख उनके हैं उनके आधार पर इसकी अनुशंसा की जा सकती है। शारीरिक क्षमता में कमी, और शारीरिक क्षमता में किसी भी प्रकार की कमी है उस स्थिति में ख्याति एवं कार्य क्षमता का मूल्यांकन संबंधित शासकीय सेवक के सेवा काल के संपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया जाए, यानी कि उसके संपूर्ण सेवा काल के जो अभिलेख हैं उनका अध्ययन होगा। ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक प्रतिकूल अभियुक्ति अथवा ऐसा अभियुक्ति जिसे प्रतिकूल की संख्या दी जा सकती है शासकीय सेवक को संसूचित की गई हो, यानी कि शासकीय अभिलेखों में कोई भी प्रतिकूल यानी कि विपरीत टिप्पणी यदि है तो ये आवश्यक नहीं है कि ये शासकीय सेवक को संसूचित ही की गई हो। इसलिए जो संपूर्ण अभिलेख हैं उनका भलीभांति परीक्षण किया जाए। संपूर्ण सेवा काल के अभिलेखों का समग्र मूल्यांकन अच्छा खास श्रेणी से कम होना, इसके साथ यह भी देखा जाए कि शासकीय सेवक की कार्य क्षमता में गिरावट तो नहीं आ रही है, विशेषकर पिछले 5 वर्षों के कार्य का स्तर घट तो नहीं रहा है। यानी कि मूल्यांकन के दौरान जो अभिलेखों का मूल्यांकन होगा उसमें यदि अच्छा खास श्रेणी से कम में यदि उनका अभिलेख पाए जाते हैं और पिछले 5 वर्षों में संबंधित शासकीय जो कर्मचारी हैं उनकी यदि कार्य क्षमता का स्तर घटा है या नहीं घटा है, यदि घटा है तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। अतः संलग्न निर्धारित प्रारूप में उक्त दोनों स्थिति में उक्त निर्धारित शर्तों के अधीन आने वाले लोक सेवकों के प्रस्ताव एक्सेल एवं हॉट कॉपी में मैं आवश्यक दस्तावेजों सहित एकल नस्ती दिनांक 12 जुलाई 2024 को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। यदि जानकारी निरंक हो तो तदनुसार प्रपत्र में दोनों अवधियों की अलग अलग निरंक तैयार कर प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध कराएं। आप देख सकते हैं 50 वर्ष की आयु 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों की जानकारी इस प्रारूप में मांगी गई है। नाम, पदनाम, वर्तमान पदस्थापना, जन्मतिथि, प्रथम नियुक्ति दिनांक, 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि और 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, विगत 5 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों की श्रेणी, अन्य विवरण और कार्यालय अभिमत। इस तरीके से यदि हम देखें तो ये बड़ा अपडेट शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की 50 वर्ष आयु 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर ये महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आया है। इसमें वो परिस्थितियां भी स्पष्ट की गई हैं मुख्य रूप से 4 बिंदुओं में कि किस परिस्थिति में किसी शासकीय सेवक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।